यूसुफ पठान ने अपने पूर्व साथी भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी की तरह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तृणमूल कांग्रेस की बंगाल में सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वह बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के ढाकड़ नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ लड़ेंगे। बंगाल की राजनीति में ये ममता बनर्जी का ये मास्टर मूव माना जा रहा है। यूसुफ पठान की छवि ऐसे क्रिकेटर की है जिसने हमेशा देश की छाती गर्व से चौड़ी की। उन्होंने बड़े मैचों में भारत को जीत दिलाई तो उनके बड़े बड़े छक्कों का हर कोई दीवाना है। वह किसी बड़े विवाद में शामिल नहीं रहे, जबकि ऑफ द फील्ड सबसे कम बोलने वाले क्रिकेटरों में शामिल हैं। यूसुफ पठान एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो टीम में ऑलराउंडर के तौर पर खेलते थे। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे यूसुफ पठान भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के बड़े भाई हैं। यूसुफ ने 24 सितंबर 2007 को पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। वह T20 विश्व कप फाइनल में डेब्यू करने वाले पहले इकलौते क्रिकेटर हैं। उन्होंने आखिरी बार 30 मार्च 2012 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच खेला था। इसके बाद पठान भारतीय टीम में वापसी नहीं कर सके। अब देखना ये होगा कि क्रिकेट के धुरंधर राजनीति की पिच पर कैसे खेलते हैं। आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।